फूड टॉक विद शरण पर आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और मूंग दाल के मंगौड़े। आप पकौड़े बोले या मंगौड़े बोले, लेकिन जब खाएंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि इसमें पालक भी है। काफ़ी टेस्टी और डिलिशियस स्नैक है, तो ज़रूर ट्राई करके भी देखिए। रेसिपी देखने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। मूंग दाल और पालक के मंगौड़े बनाने के लिए पहले हमें मूंग दाल भिगोना है, तो 3-4 घंटे के लिए आप मूंग दाल भिगो दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़े से गर्म पानी में आप आधे एक घंटे के लिए भी मूंग दाल भिगो के उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भिगोया हुआ है मूंग दाल और उसका पानी हटा दिया है। इसको अब हमें पीसना है, तो पीसने से पहले आप 1-2 चम्मच दाल अलग करके रख लीजिए और फिर इसको अच्छे से दरदरा पीस लीजिए। अब इसको सॉफ्ट और या बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। पिसे हुए मूंग दाल को हम एक बोल में अलग कर लेते हैं, और अब मिक्सी के जार में 2-3 चम्मच पानी डाल के वो जार भी साफ करके वो पानी आप दाल में डाल दीजिए। तो ये दाल हमने बिना पानी के पीसा है, तो बस ये जो 2-3 चम्मच पानी है वही चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। इसको पहले आप अच्छे से फेंट लीजिए, तो या तो स्पून या स्पैचुला या विस्क यूज़ करके आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए, ताकि ये बिल्कुल हल्का और एक लाइट कलर भी हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं नमक, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर, 2-3 हरी मिर्च जो बारीक कटी हुई है, एक छोटा पीस अदरक का बारीक कटा हुआ, और इसको फिर से हम एक बार फेंट लेते हैं। मैंने पालक ऑलरेडी यहाँ काट के रखा है, तो पालक के पत्ते अच्छे से धो के इसको चॉप कर लीजिए। और अब हम पालक और साथ में थोड़ा धनिया पत्ता भी इस मिक्स में डाल देते हैं, और जो दाल हमने अलग करके रखा था वो भी डाल देते हैं। इसको फिर से थोड़ा फेंट लीजिए। और ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तेल यहाँ पे हमारा गरम है। अब इसमें छोटे छोटे बॉल्स बना के ये मंगौड़े हम फ्राई करते हैं। धीमी आंच पे आप फ्राई कीजिए जब तक ये पूरा अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। गर्मा गर्म मूंग दाल और पालक के मंगौड़े तैयार हैं, तो इसको या तो आप चटनी या केचप के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं।